अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ्राइड चिकन बनाने के दो रेसिपीज शेयर करने लगी हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन के 9 लेग पीस ले लिए हैं, जिन्हें मैंने कट लगा लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करूंगी, नमक 1/2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला ऐड करेंगे। अगर तिक्का मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ऐड किया करें, लेकिन तिक्के मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट शामिल कर रही हूँ, 3 टेबलस्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। कट लगाने का फायदा यह है कि अच्छी तरह से मसाला लग जाएगा। इनसे 4 घंटे मैरिनेशन के लिए रख दिया था, आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं। लो फ्लेम पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें लेग पीस शामिल करेंगे और इन्हें दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर से भी चिकन गल जाए। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से चिकन अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बाकी के लेग पीस को हम डिफरेंट तरीके से फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर का शामिल कर रही हूँ। मेरे पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल था, अगर आपके पास मैदा भी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे, इससे थोड़े और क्रिस्पी हो जाएंगे। बेकिंग पाउडर यूज करना है, मीठा सोडा यूज नहीं करना। अब हम इसमें काली मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं। साथ ही साथ अब हम इसमें टिक्का मसाला 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे ताकि मैदे जो हम ऊपर कोटिंग करेंगे उसमें भी फ्लेवर आ जाए। नमक हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि दूसरे बाउल में मैंने चिल्ड वाटर ले लिया है। पानी के अंदर मैंने और चिल बनाने के लिए इसमें क्यूब्स भी शामिल किए हैं। अब हम एक लेग का पीस उठाएंगे, इसे पहले हम कोट करेंगे मैदा या कॉर्नफ्लोर में, उसके बाद हम ठंडे पानी में ऐड करेंगे, फिर इसके बाद दोबारा सेकंड कोट देंगे। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। लेग पीस को आप मैदे में अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हम सेम कढ़ाई में भी इन्हें फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लाजमी साफ कर लें, मैं यहाँ करना भूल गई थी। इसी तरह मैंने इसमें लेग शामिल कर दिए थे। आप आगे जाके देख सकते हैं कि ब्लैक ब्लैक से छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके साथ चिपक गए थे, जो कि अच्छे नहीं लगते। आप प्लीज ऑयल में, सेम ऑयल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उससे प्लीज आप छान के अच्छी तरह से ऑयल साफ कर लें और फिर गर्म करके उसमें फ्राई करें। इसे भी हम दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और लो हीट पे ही हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए। आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक पार्टिकल्स नीचे थे वो सारे चिकन के क्रिस्प के ऊपर चिपक चुके हैं, इसलिए आप ऑयल लाजमी साफ कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर मैंने इसे ऑयल को साफ कर लिया था और फिर अगले फ्राई किए थे।
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं, मज़ेदार से टू टाइप्स ऑफ फ्राइड चिकन रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।